अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशन भी। आज हम बात करेंगे काली मिर्च के बारे में और उन छुपे हुए ख़जाने, जो उसके फ़ायदे उसके अंदर छुपे हुए हैं उसके बारे में। लोग ये जानना चाहते हैं कि काली मिर्च का फ़ायदा नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के अंदर हो जाता है या फिर वज़न की कमी के हो जाता है। काली मिर्च जो होती है वो कई दफ़ा आपको अगर बहुत कंजेशन हो, बलगम जमा हो, तब भी उसके अंदर बहुत फ़ायदा आपको देती है। और कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि आप अगर वज़न कम करना चाहें तब भी आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। किस तरीके से आखिर हम इसका इस्तेमाल करें कि वो जो जमा हुआ बलगम है आपको सांस लेने में भी दिक्कत महसूस करवाने पे मजबूर कर रहा है, आप इसको करें। एक काम जो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं वो आप ये करें कि जब भी कोई खाना बना रहे हों तो उस खाने की प्रेपरेशन के दौरान भी थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च को ऐड कर लिया करें। एक तरीका तो ये भी बहुत अच्छा है। और अगर खाना बन जाए तो उसके ऊपर भी आप चुटकी भर काली मिर्च स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये तरीक़ेकार आपको मौसमी बुखार से और कोल्ड से भी बचाएगा। एक और काम आप इसके साथ ये कर सकते हैं कि वाकई अगर आपको कोल्ड हो चुका है यानी कि नज़ला, खांसी, तो आप अदरक के साथ इसका कहवा बना कर लें, तब भी आपको एक बहुत ही ड्राइंग और सूदिंग इफ़ेक्ट जो है वो मिलेगा। अगर दोनों चीज़ों को कंबाइन करके लेते हैं तो जो खांसी आपको वक्तन फवक्तन तंग करती है वो भी नहीं होगा और इन सिम्टम्स से आप बच जाएंगे। एक और चीज़ जो हमने बहुत देखी है कि काली मिर्च के अंदर जो ख़जाने हैं वो इसके अंदर जो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं वो आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करती हैं, ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करती हैं और आपके दिमाग की और गट की हेल्थ को भी बहुत बेहतर करती हैं। लेकिन अगर इतने फ़ायदे मैं आपको बताती चली जा रही हूँ तो अब आपने बहुत ज़्यादा काली मिर्च का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो वो भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह होती है। तो सिर्फ 1 टीस्पून की खुराक पूरे एक दिन में इनफ है। अगर इससे ज़्यादा आप तजावज़ कर देंगे तो फिर आपको ब्लीडिंग की तरफ भी आप जा सकते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, स्किन की इरीटेशन, इचिंग, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। और इतना ही ब्लैक पेपर दिन में लेना काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी इनफ है। डायबिटीज़ वाले अफराद या जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सीजनिंग के तौर पे, पिंच या आधा खाने के ऊपर। एज़ अ सीजनिंग, एज अ स्पाइसेस, इसका कोई हार्म नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। फ्लेवर भी ये बहुत अच्छा देता है, टेस्ट भी ये बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल अगर खानों में बहुत ज़्यादा शुरू किया तो उसकी वजह से उनको स्टमक के अंदर बर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई। और ख़वातीन अगर प्रेग्नेंट थी और इन्होंने इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जितनी खुराक मैं आपको बता रही हूँ, तो मिसकैरेजेस भी हो गए। इसके अंदर विटामिन बी भी शामिल होती है, इसके अंदर कैल्शियम भी होता है और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसका कहवा अगर आप अदरक के साथ लेते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाता है। और 1 टीस्पून इसका जो है दिन में लेना काफ़ी है। ज़्यादा से डिस्कम्फर्ट के अलावा एक और चीज़ ये होती है कि ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो अगर आप नोट करें तो मुख्तलिफ डिटॉक्स वाटर्स जो हम बनाते हैं उसमें भी काली मिर्च का इस्तेमाल रेगुलर तौर पर होता है मुख्तलिफ सीड्स के साथ, क्योंकि ये आपको डिटॉक्स करता है, आपके इंटेस्टाइन को, आपके पेट को बहुत अच्छे से साफ करता है, आपके हार्ट रेट को भी रेगुलराइज करता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और उसके अलावा आपको टॉक्सिसिटी बचाता है। इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। मुझसे जो लोग रابطہ करना चाहते हैं, मैं कराची में, मेरे क्लिनिक्स होते हैं अल खलीज टावर्स में, 4th फ्लोर पे, रूम नंबर 403 पे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 4 से 6, उसके अलावा डॉक्टर्स प्लाजा पे 1st फ्लोर पे, सैटरडे मंडे 3 से 5, जुमेरात 6 से 8 और साउथ सिटी हॉस्पिटल में। ऑनलाइन भी रابطہ किया जा सकता है। शुक्रिया।